दिल्ली मेट्रो स्टेशन में जब भी आप इधर से आते हैं ना, 16 की तरफ से, वो शायद तो पीछे का गेट पड़ता है, पीछे वाला एरिया में बता दूंगा कौन सा एरिया, नीचे लिख दूंगा। तो इधर ये देखिए खाने के लिए है, हल्दीग्राम है, बहुत सारी चीजें हैं, डोमिनोज भी है इधर। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरफ से आ सकते हैं, ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, ये वाला हाँ सामने वाला, आप यहाँ से हल्दीराम जहाँ लिखा हो यहाँ से आप जा सकते हैं बाहर की तरफ, और आराम से जाके आपको जो भी खाना है आप खा सकते हैं। आप यहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं, ऊपर जाके बैठ के आराम से खा सकते हैं। और ये बैक साइड वाला एरिया है, ये कौन सा एरिया कहलाता है, सामने आपके मेट्रो स्टेशन, एक मिनट बताता हूँ कौन सा मेट्रो स्टेशन है। अरे यार पता नहीं कौन सा है, मैं देख के बता दूंगा एग्जैक्ट मेट्रो। हाँ सामने कोई मेट्रो स्टेशन, मैं देख के बता दूंगा, थोड़ा सा समझ के। 16 नंबर प्लेटफॉर्म है, 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही आती है लखनऊ मेल। तो आप ये देख सकते हैं जो लखनऊ मेल आती है, लखनऊ मेल जो दिल्ली से चलती है, इसका गाड़ी नंबर होता है 12230। ये ट्रेन दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात को लगभग 10 बजे के आसपास चलती है। यार एक अच्छी चीज़ ये है, देखो एस्केलेटर भी जगह जगह लग गए हैं, तो बड़ा आराम होता है जाने में। तो आप ये देख सकते हो लिफ्ट भी लगी हुई है, ठीक है, ये देखिए आगे ही लिफ्ट लगी है, मैं दिखाता हूँ आपको। और ये एस है, जैसा कि मैंने आपको बताया एस जो होता है स्लीपर के लिए होता है। चलो एम जो है ये है M2 M1, ये थर्ड AC का होता है। चलते हैं हम लोग, चलिए हम चलते हैं अंदर की तरफ। और ये ट्रेन के अंदर आए सबसे सामने आपको दिखता है ये मैं हूँ, हेलो, ये बिल्कुल सामने आपको देखिए। अच्छी चीज ये है, ये आप बैग खुद से दबाने के लिए, और दबाने पे ऐसे पानी होते हैं, अच्छी चीज है, पानी वेस्ट नहीं होता। वॉशरूम भी यार फिलहाल तो साफ सुथरा है, पहले से बहुत साफ सुथरा है, नए कोचेज है ना इसलिए। पर ये वाला वॉशरूम है तो गया हुआ है, ये देखिए खुलता है ये, और देखिए क्या भाई इधर आ गए, ये देखिए ये बहुत ही अच्छी चीज है, आपको रीडिंग लैंप मिलता है, हर एक के पास चार्जर भी है, कॉर्नर वाली सीट पे चार्जर है, ये एसी का वेंट भी है। और अब ये आ गया हूँ मैं अपनी सीट पे, ये जो लोअर सीट है यहाँ पे ये देखिए रीडिंग लैंप है, और एक ये बॉटल होल्डर है जो कि बहुत ही अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है इन सब की। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट नहीं है, चार्जिंग के लिए आपको ऊपर ही देखना पड़ेगा। ये एक व्यू है अपर बर्थ का, यहाँ पर भी साइड अपर बर्थ, और यहाँ पर भी देखिए रीडिंग लैंप भी था, ये सामने एक स्क्रीन भी लगी हुई है, और बहुत ही अच्छा है। आपको इन्फॉर्मेशन कौन सा स्टेशन आया है ये मिलती रहेगी। ये ट्रेन का एक व्यू है, लोग अपनी बर्थ में आ चुके थे, रात का समय था इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करी। ये देखिए दोस्तों जो साइड में ऊपर चढ़ने वाली जो दिक्कत होती है ना, ये बहुत अच्छा क्वालिटी का बनाया और बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, बहुत इजी है इससे ऊपर चढ़ना उतरना। लो जी अब हम पहुँच गए हैं लखनऊ, सवेरे के लगभग 6:30-7 बजे हैं, अभी ट्रेन खाली हो गई है। तो अब आप एक बार अच्छे से व्यू देख लीजिए पूरी बर्थ का। भैया एक बात बता दूँ, हमें ये बात पता नहीं थी, M जो है M3 AC का इकोनॉमी होता है, और यहाँ पे चादर नहीं मिलता है, कंबल नहीं मिलता है, रात भर नींद नहीं आई ठंड के मारे। तो अगर आपका कभी रिजर्वेशन M में होता है तो आप इसका ध्यान रखिएगा, आप अपना एक चादर या कंबल ज़रूर लेके जाइएगा अगर आपको ठंड ज़्यादा लगती है तो। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन और ये दिल्ली से लखनऊ की लखनऊ मेल की जो जर्नी है ये पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी का, बने रहिए आप हमारे साथ।